गुड मॉर्निंग सर। अरे मॉर्निंग। सर मैं बैठा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल के लेक्चर से कोई डाउट है? लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है किसी को? जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं तब तक डाउट क्लियर कर लीजिए। स्पेक्ट्रम स्क्रीन दिख रहा है? पीडीएफ जो खोला है मैंने, पीडीएफ दिख रहा है सबको? अभी दिख रहा है स्क्रीन सबको? देखिए, हमने इस स्पेक्ट्रम से पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब ये जो हम लोगों ने देखा था वेव्स। तो जो वेव्स होते हैं ये एक लाइट वेव कह लीजिए, साउंड वेव्स कह लीजिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। देन ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने लाइन ऑफ प्रोपगेशन पे ट्रैवल करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं उनको लाइन ऑफ प्रोपगेशन कहा जाता है। अभी हमारे पास, हमारे अर्थ में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, जैसे टीवी से निकलने वाला रेडिएशन हो गया, देन रेडियो से निकलने वाला रेडिएशन है, आपके मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशंस है, देन सबने ओवन का नाम सुना होगा, OVEN, जिसमें खाना वगैरह गर्म करते हैं होटल्स वगैरह में, तो उससे कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलता है। उसके बाद इंफ्रा रेड रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है। तो इन सभी रेज का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी और कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। अगर इन्हीं इन सभी वेव्स को अपने एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ पे इनको अगर अरेंज किया जाए, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सफेद लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया गया है, तो व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सोमरफील्ड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इसको और डिटेल्स में सोमरफील्ड ने बताया था जो हम पढ़ेंगे आगे।
ये इस इसमें देखिए आपका अरेंजमेंट दिखाया गया है कि एक लाइट मतलब एक कलर दूसरे कलर से, दूसरा कलर तीसरे कलर से जुड़ा हुआ है और इसको हम मर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लाइट्स हैं और इस अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब इसमें हम एटम्स की बात करेंगे तो इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे, जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। नेक्स्ट, और कोई डाउट इसमें से? देखिए मैं वापस से आपको सारा फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा कंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक तो हो गया आपका एमिशन टाइप स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम बनता है, एक हमारा कंटिन्यूस टाइप और एक हमारा डिसकंटिन्यूस टाइप। कंटिन्यूस टाइप में क्या होगा कि जो वेवलेंथ वाले रेडिएशन होंगे उसमें हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन हमको देखने को मिलता है, और डिसकंटिन्यूस में क्या है कि कुछ वेवलेंथ वाले रेडिएशंस यहाँ से गायब होंगे या वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, उस जगह पे गैप्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं। देन हमने ये देखा था रेडिएशंस इन केस ऑफ एक बल्ब अगर प्रिज्म के सामने लगाया जाए तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसी जगह पे अगर हॉट गैस से जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन को अगर प्रिज्म से पास कराया जाए तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अभी ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि जब भी गैस हीट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हीट जब सप्लाई करेंगे तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा, और जब वो अपना एनर्जी लूज करके हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में आएगा, मतलब अगर सपोज करो ये हमारा के सेल है और ये हमारा एल सेल है, तो जब K से L में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब L से K में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, छोड़ता है बाहर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही छोड़ता है, एक लाइट के रूप में छोड़ता है। तो यहाँ पे जो हमको ये लाइन देखने को मिल रहा है वो लाइट है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है तब। और उसके बाद इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर आप मिला देंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये ऊपर वाला हॉट डेंसिटी हाई डेंसिटी हॉट मैटर लिखा है और ये हॉट गैस लिखा है, अगर इन दोनों का हम एक साथ मिक्स कर दें, मिला दें, जो हमारा थर्ड कंडीशन है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ही कुछ गैप्स आ गए हैं। गैप्स इसलिए आ गए हैं क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है इस बल्ब से, वो रेडिएशन इस गैस ने एब्जॉर्ब किया है। अब जिस फोटोन को, जिस लाइट को ये गैस एब्जॉर्ब करेगा, वो लाइट यहाँ से हमको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पे हमको गैप्स दिखने को मिलेगा, और इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे गैस ने इस लाइट्स को या इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, इस वजह से। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों दिखा रखा है। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का और ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अभी किसी को डाउट है कुछ? अगर डाउट है तो ठीक है, नहीं डाउट है तो बोल दीजिए, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ फाइल दिख रही है?
यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखा है, नोट में लिखा है एटम्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम व्हाइल मॉलिक्यूल्स गिव बैंड स्पेक्ट्रम। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आता है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम हमको यहाँ देखने को मिलता है कि एटम्स अगर हीट पास किया जाए या फोटोन ऑफ लाइट्स एब्जॉर्ब होता है तो ये हमको एक लाइन में दिखना है दिखता है। ठीक है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे H2O ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HNO3 कुछ भी ले लीजिए, अगर उस केस में अगर वो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है तो वो स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम फर्क क्या है, मैं आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूँ उसका दिखाता हूँ इसको। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमको इस टाइप से लाइंस देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको गैस का दिखा रखा है मैंने, इस टाइप से आपको कुछ कुछ लाइंस देखने को मिल रहा है। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम में आपके पास भी लाइंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ लाइंस आपस में एकदम नजदीक होंगे इस टाइप से, फिर उनके बीच में गैप होगा, फिर एकदम नजदीक नजदीक में लाइंस होंगे। तो ये जो है ये क्लस्टर ऑफ लाइंस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सिंगल लाइन देखने को मिलता है, ये हमें क्लस्टर ऑफ लाइंस देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं लाइन लाइन स्पेक्ट्रम और इसे हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये दो स्पेक्ट्रम है, जो ये स्पेक्ट्रम हमें एटम्स के केस में देखने को मिलेगा और ये स्पेक्ट्रम हमें मॉलिक्यूल्स के केस में देखने को मिलेगा, जैसे H2SO4, CO2 गैस हो गया, अमोनिया हो गया, या उस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हर किसी का। अभी इन दोनों की खासियत क्या है, इन दोनों को यूज किया क्यों किया जाता है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम्स हैं, अभी स्पेक्ट्रम्स नहीं, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो लाइट से कैसे बिहेव करते हैं, मतलब लाइट अगर फोटोन्स डिफरेंट एनर्जी वाले या डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाले, या सिंपल भाषा में यू कहिए कि डिफरेंट एनर्जी वाले जो लाइट्स होते हैं या रेडिएशंस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आते ही मॉलिक्यूल्स किस टाइप से बिहेव करता है उसको पढ़ने में ये हमें मदद करता है। तो इस वजह से हम इन स्पेक्ट्रम्स को पढ़ते हैं। देन कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस है, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिख रखा है मैंने कि किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस का डिस्कवर किया था, किस किस लाइंस के बारे में बताया था। अभी देखिए ये लाइंस हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर्ड बाय एंड अपियरिंग इन लिख रखा है मैंने। सबसे पहला लाइमन सीरीज, देन दूसरा है बाल्मर सीरीज, फिर है पाशन सीरीज, फिर है ब्रैकेट सीरीज, फिर पिफन सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। अब ये सीरीज है क्या, तो आपको बोर्ड शेयर कर रहा हूं, ढंग से देखेंगे एकदम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के वक्त ये काफी काम आएगा। देखिए हम सबको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका सेल होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं चलिए बताएंगे कोई, या टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं, और प्रियांशु विपुल रूपों में फोर स्पेशली आपने सॉरी मिस्टेक्स, आपके पास अपने सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा, उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, रूपम 18, 18 जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है और पीरियड आपका 7 होता है। ठीक है, अभी आपको एक बात बता दूं,
जितना आपके पास पीरियड है उतना ही आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 7, टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी होंगे 7। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्यों होते हैं इस टाइप से। अब देखिए, जो सीरीज देखा है हमने, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, जो अभी आपको लिस्ट दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा वापस, उन लोगों ने क्या किया था, क्या स्टडी किया था स्पेक्ट्रम के बारे में, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है और यही इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस जगह पे, या फिर जंप करता है इस जगह पे, या फिर ये जंप करके जाता है नेक्स्ट सेल में, चाहे जंप करके जाएगा इस सेल में या फिर नेक्स्ट सेल में या फिर नेक्स्ट सेल में, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जंप कर सकता है, या तो पहले से दूसरे में जंप करेगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, पांचवे, छठे और सातवें, या फिर सातवां से छठा, छठा से पांचवा, पांचवा से चौथा, ऐसे जंप कर सकता है, या फिर यूं भी जंप कर सकता है कि पहला से सीधा तीसरे में चले जाए, या फिर पहले से सीधा पांचवें में चले जाए, या पहले से सीधा सातवें में चले जाए। अब इसको हम जितनी एनर्जी देंगे या जितने एनर्जी वाले फोटॉन्स से इसे भिड़ाएंगे, ये उतना एनर्जी लेगा और उतना ये जंप करेगा, ठीक है। तो ये जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी कैपेसिटी रखता है, क्या किस ताकत से ये किसी दूसरे एटम से जुड़ेगा, इनके रेडिएशंस क्या है, क्या लाइट एमिट करेगा, मतलब कौन सी लाइट ये दिखाएगा हमें, किस कलर की लाइट दिखाएगा, किस वेवलेंथ की दिखाएगा, इन सबको स्टडी किया था सबसे पहले लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने फर्स्ट सेल से सातवें सेल तक के लिए बताया था कि फर्स्ट सेल से सातवें सेल तक इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करते हैं तो उसकी क्या क्या खासियत होती है। इसीलिए ये जो सीरीज है इसको हम लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे जितने भी सीरीज दिए गए हैं वो ए जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला था यहाँ 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद सेकंड सीरीज आया 2 से लेकर 7 तक, फिर थर्ड सीरीज आया 3 से लेकर 7 तक, फिर आया फोर्थ सीरीज जो 4 से 7 तक था, फिर आया पांचवा सीरीज, फिर छठा सीरीज और लास्ट आपका यहाँ तक आया, क्योंकि सातवां के बाद ये जाएगा कहाँ जंप करके, ठीक है, इसका तो और कुछ है नहीं जंप करने के लिए, तो लास्ट आपका यहाँ तक आया। एक लाइमन ने दिया था, एक बाल्मर ने दिया, एक पाशन ने दिया, एक ब्रैकेट ने दिया, एक पीफर्ड ने दिया और एक हम्फरी ने दिया। तो उन सब के नाम पे ये सीरीज है। ये कुछ कुछ जोन्स में आते हैं, कुछ कुछ जोन्स कहने का मतलब है जैसे अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब जैसे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो उनकी वेवलेंथ किस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से मैच करती है उसको हम जोन्स कहते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट जोन हो गया, देन इंफ्रा रेड जोन्स हो गए, ठीक है, देन विजिबल जोन हो गया। विजिबल जोन वो जोन है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे देखो, आपको वाइट लाइट देखने को मिलता है, जैसे आप अगर घर में बल्ब जला रहे हैं तो आप उसका व्हाइट लाइट को देख सकते हैं, लेकिन उस व्हाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है उसको आप नहीं देख सकते, ठीक है, तो इसे हम विजिबल जोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट जोन्स आपको दिखा रखा है। सबसे पहला है लाइमन सीरीज डिस्कवर किया था सबसे पहले लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने। ये आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, मतलब इसका जो वेवलेंथ वगैरह होगा वो अल्ट्रा वायलेट रेज की तरह होगा। देन सेकंड है आपके पास बाल्मर सीरीज, बाल्मर ने इसको डिस्कवर किया, इसको विजिबल रीजन कहते हैं। विजिबल रीजन मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। देन थर्ड है हमारे पास पाशन सीरीज, डिस्कवर्ड बाय पाशन, ये आता है इंफ्रा रेड रीजन में। Then bracket series discovered by bracket, infrared region, Pfund series discovered by Pfund and infrared region, Humphrey series discovered by Humphrey and far infrared region, मतलब infrared region का भी के ये एकदम अंदर जाके या डीपली कहिए उसके और दूर जाके होता है, ठीक है। अभी ये जो भी सीरीज है, ये सीरीज हम यूज कैसे करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में इन सीरीज को यूज किया जाता है उनके नंबर से। आप बिल्कुल करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं चेंज करेगा सेल, अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप हिट करो तो दूसरे सेल में जंप करेगा ना इलेक्ट्रॉन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो किसी आपने हमेशा देखा है
लोगों को दारू पीते हुए, ठीक है। अब शाम को देखो दारू पी के कोई निकल जाए, कैसे रोड पे नाचते फिरते हैं इधर उधर, एक पैर इधर एक पैर उधर, ठीक। अभी अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल जो है इंसान के शरीर में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर देता है, ठीक है, मतलब जितना उसको चाहिए उससे कहीं ज्यादा सप्लाई कर देता है, जिस वजह से उसका दिमाग भी गायब और उसके पैर भी इधर उधर लड़खड़ाना चालू, और आखिरी में कहाँ किसी नाले वाले में जाके गिरता है वो, या तो घर में पिट पिट आता है, ठीक है। तो सेम रीजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एनर्जी सप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने एनर्जी सेल से जहाँ पे वो शांति से अपने घर में बैठे हैं वो घर को छोड़ के वो दूसरे घर में घुस जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन उनके साथ भी, अगर वो ही इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी छोड़ देगा, तो करेगा क्या कि भाई वो दूसरे घर में बैठा था, वो चुपचाप अपने घर में शांति से आके बैठ जाएगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वापस रिटर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हल्क के जितना नहीं करता। चलिए ठीक है, देखो रिडबर्ग रीड्स नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इन स्पेक्ट्रम को यूज करके एक फॉर्मूला दिया था जिसके थ्रू हम वेव नंबर निकाल सकते हैं, देन वेवलेंथ निकाल सकते हैं, देन फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू आर। आर यहाँ पर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, ये हमेशा एक नंबर है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू होती है 109678, ठीक है। अब इस नंबर को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 109677.567, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिया गया है 109678। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा 1.1×10^5 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। आप इसको 1.1×10^5 भी ले सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स में कन्वीनियंट रहता है। देन 1/(n1^-1/(n2)2, यहाँ जो n1 है ये लोअर एनर्जी सेल के लिए है और n2 जो है ये आपका हायर एनर्जी सेल के लिए है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मैं आपको समझा देता हूँ, वापस से बोर्ड पे चलते हैं। देखिए आपको जो फॉर्मूला लिखा था, न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, मतलब फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इन टू 1/(n1^-1/(n2)2। अब ये जो n1 और n2 है, देखो मैं नोट डाउन कुछ मत कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला दिखाएंगे और फिर कुछ कंफ्यूजन तो फिर बताएंगे, ध्यान से सुनिए सिर्फ। उस फॉर्मूला में n1 और n2 का जिक्र है, ठीक है। अभी n1 और n2 जो है वो हर किसी सीरीज के लिए अलग अलग आएगा। अलग कैसे आएगा, अब जैसे लाइमन सीरीज की हम बात करें तो यहाँ पे लाइमन सीरीज देखिए कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है, फर्स्ट सेल से लेकर के सातवें सेल तक गया है। तो यहाँ पे जो n1 है, n1 हो जाएगा 1 और n2 हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 के आगे भी चले जाइए 8, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो लाइमन सीरीज में n1 का जो वैल्यू होगा, n1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और n2 का जो वैल्यू होगा ये आपको कहां से देगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर एनर्जी सेल से अपने हायर एनर्जी सेल में जंप कर रहा है, मतलब फर्स्ट सेल से जंप करके सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट सेल से जंप करके थर्ड में जा रहा है, फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है, फर्स्ट से फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, जितना भी आप लेना चाहे उसमें जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू रखेंगे 1 और n2 का वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी। इसी तरीके से जब हम बात करें इस बाल्मर सीरीज की, सेकंड सीरीज की, तो यहाँ पे n1 का वैल्यू हो जाएगा, n1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और n2 का वैल्यू हो जाएगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 2 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टडी किया गया था इस सीरीज को, और ये सीरीज सेकंड सेल से स्टार्ट होता है इस वजह से, तो सेकंड सेल से लेकर इन्फिनिटी तक। उसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज भी बदलेगा हमारा, n1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा n1 और n2
डिफाइंड रहता है। कोई डाउट है किसी को इसमें N1 N2 देखने में? देखिए यहाँ पे मैंने आपको वापस से दिखा रखा है टेबल बना के कि कौन से सीरीज में N1 का वैल्यू क्या होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा। लाइमन सीरीज आपका वैल्यू ऑफ N1 1 है, तो वैल्यू ऑफ N2 है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। बाल्मर सीरीज N1 जब 2 होगा तो N2 का वैल्यू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। पाश्चन सीरीज N1 का वैल्यू 3 होगा तो N2 का वैल्यू 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ब्रैकेट सीरीज N1 का वैल्यू 4 होगा तो N2 का वैल्यू 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। पिफंड सीरीज N1 का वैल्यू 5 है तो N2 का वैल्यू 6 से लेकर के इन्फिनिटी। एंड हाँ, लास्ट है हमारा हम्फ्री सीरीज जो वैल्यू ऑफ N1 है 6 है, तो N2 का वैल्यू हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में डिफाइंड है 7 सेल्स तक, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन अभी तक डिफाइन किया गया है सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स जो है 7 तक। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो लास्ट 7 सेल तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एटॉमिक सेल्स में नंबर ऑफ सेल्स इन्फिनाइट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से कहीं भी जंप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछता है कि कौन सा सीरीज किस स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ मैंने स्पेक्ट्रम लिख रखा है, कौन सा सीरीज किस स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, तो लाइमन एक सिंगल ऐसा सीरीज है जो हमें एमिशन और एब्सॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, और बाकी जितने भी सीरीज हैं ये सब एमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है कि विच सीरीज या विच लाइंस शोज स्पेक्ट्रम इन बोथ द स्पेक्ट्रम ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन असाइनमेंट जब मिलेगा उस समय डाल के आपको दूंगा। देन ये ऊपर का फॉर्मूला है न्यू वेव नंबर का, 1/लैम्डा फ्रीक्वेंसी बाय सी इज इक्वल्स टू आर 1/N1² माइनस 1/N2² अब इस फॉर्मूला को हर किसी के सीरीज में आप डाल दीजिए तो आपके पास एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, हर सीरीज के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। जैसे लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो N1 का जो वैल्यू है वो तो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि ये N1 का ये जो वैल्यू है N1 का ये हर किसी सीरीज के लिए फिक्स रहने वाला, बदलेगा कौन सा? तो N2 का वैल्यू चेंज होगा। तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि N1 का वैल्यूज हर सीरीज के हिसाब से फिक्स करेंगे और चेंज कौन सा होगा? N2 का। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बदलेगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा फ्रीक्वेंसी बाय सी देन आर जेड स्क्वायर 1/1² माइनस 1/N2² लाइमन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू 1 हो गया तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, Z है हमारा एटॉमिक नंबर और N2 बराबर कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूस जहां तक जाएगा वहां तक। अब देखिए यहाँ पे मैंने Z लिखा है, यहाँ पे Z नहीं लिखा है, दोनों में फर्क क्या है? तो इस कंडीशन में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्पेक्ट्रम वाला, ये स्पेशली किया गया था हाइड्रोजन के साथ, वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स का मैक्सिमम हिस्सा हाइड्रोजन से बना है इस वजह से। और अगर यहाँ पे आप जेड स्क्वायर डाल दो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1, क्योंकि जेड स्क्वायर हमेशा 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब रह गई बात यहाँ जेड स्क्वायर यूज करने की, कि जेड स्क्वायर यहाँ क्यों यूज करेंगे? तो देखिए हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करते हैं या फिर हाइड्रोजन का जैसा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हीलियम प्लस HE+ इसका एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस आयंस को देखिए, हीलियम प्लस इसका एटॉमिक नंबर 2 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Li2+, Li2+, एटॉमिक नंबर 3 और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इस वजह से। देन Be3+, Be3+, एटॉमिक नंबर 4
और इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसका बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बिहेव कर रहे हैं हाइड्रोजन की तरह, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर में फर्क है, तो इस वजह से यहाँ पे जेड स्क्वायर इस फॉर्मूला में यूज किया जाता है। अब आप एक बार सारा फॉर्मूला चेक कीजिए, सब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ एन वन का फर्क है। सर हाँ बोलो सर, यहाँ एन टू का स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें वैल्यू 2, 3, 4 ही दिया रहेगा या इनफिनाइट भी दिया जा सकता है? कुछ भी दिया सकते, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको क्या देगा कि वेव नंबर निकालिए, चाहे वेवलेंथ निकालिए, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से अपने पहले ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा हो, तो यहाँ पे N2 का वैल्यू 6 हो जाएगा और N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। yes, ठीक है, या तो ये कंडीशन दे सकता है, या फिर ये भी कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है अपने आठवें सेल से, ठीक, और वो ट्रेवल कर रहा है कौन से सीरीज में, तो बाल्मर सीरीज में ट्रेवल कर रहा है, तो आठवां सेल आपका हो जाएगा N2 और बाल्मर सीरीज में N1 का वैल्यू होता है 2, ठीक, या तो आपको नंबर ये सेल्स का काउंटिंग नंबर देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, या फिर कहेगा कि उस सीरीज में वो ट्रेवल कर रहा है, तो सीरीज में अगर ट्रेवल कर रहा है तो हमको लेना होगा N1 का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो मान के चलना होगा फिर, ठीक है। चलिए सारा फॉर्मूला चेक कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का, ठीक है, टाइम आपको सैटरडे को दे दिया जाएगा। हो गया सबका? आरोपण देखिए, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसका लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। देखिए, ये जो थ्योरी था हमारा मैक्सवेल थ्योरी या वेव थ्योरी, ये सबसे पहले ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस को समझा नहीं पाता कि ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब क्यों कर लेता है
और हर वेवलेंथ को ये रिलीज भी क्यों कर देता है सर्टेन टेम्परेचर। मतलब कोई ऐसा बॉडी हो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और किसी सर्टेन टेम्परेचर पे हीट होने के बाद उस वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट भी कर ले। तो इस थ्योरी को ये समझा नहीं पाया था, ठीक है। इस वजह से ये थ्योरी की लिमिट फेल हो गई थी। ये थ्योरी फेल नहीं हुई थी लेकिन इससे कुछ लिमिटेशंस में चले आए थे। और एक बात बता दूं कि ब्लैक बॉडी जो है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो सच परफेक्ट ब्लैक बॉडी। देन दूसरा इसका लिमिटेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पाया था। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है? जैसे सब आपने सोलर कुकर देखा है, ठीक है। सोलर कुकर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th वगैरह 10th क्लास में, कि सोलर कुकर से हम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तब खाना बनाते हैं, ठीक। अब सोलर कुकर का काम क्या है कि जो सन की रेज आ रही है उसके पूरे सन की पूरे एनर्जी को वो लेगा, पूरे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा आपके उस खाने को पकाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को हम एक तरह से ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हम कहते थे। लेकिन ऐसा कोई ब्लैक बॉडी नहीं है जो हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे देखिए यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हमको देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंट कलर्स का वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा। तो अगर इस सभी लाइट्स के सामने मैं यहाँ एक स्क्रीन लगा दूं जिसको मैं कहूँ कि ये ब्लैक बॉडी है, एक स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्रीन है जो ब्लैक बॉडी है और हर एक लाइट उस पर पड़ रही है, ठीक है। तो होगा क्या, ये ब्लैक बॉडी हर लाइट को अपने अंदर समा लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हम इस ब्लैक बॉडी को हिट करेंगे, सपोज करो कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे हिट कर दे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे हिट कर दे, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा, इन लाइट्स को एक करके एमिट करना चालू कर देगा। तो इसको हम कहते हैं, जब वो बॉडी कंसिडर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जब उस बॉडी से रेडिएशन निकलना चालू हो जाए बाहर की ओर तब हम उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। यस सर। देन इसका दूसरा लिमिटेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आप सबने देखा है कि धूप में अगर लोहा पड़ा रहे तो लोहा अजीबोगरीब टाइप से चमकने लगता है, आपको देखने में तकलीफ भी होता है। अगर कोई मेटल है, कोई शाइनी मेटल है, शाइन कर रहा है बहुत ज्यादा और धूप में रखा हुआ है तो आप उसको देख भी नहीं पाते, आपके आंखों में थोड़ा तेज चुभन होने लगता है देखने को। वो चुभन इसलिए होता है क्योंकि जब उसके ऊपर सन की रेज पड़ती है, मतलब काफी ज्यादा एनर्जी वाले उसमें से फोटॉन्स अगर टकराते हैं उस मेटल से, मेटल के सरफेस से, तो होता क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि फोटो जो शब्द है ये फोटोन शब्द से आया है, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी आपको बताया थे पिछले क्लास में। देन इलेक्ट्रिक जो शब्द है ये इलेक्ट्रॉन से उठ के आया है। तो एक लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, मेटल सरफेस पे लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस प्रोसेस को भी ये थ्योरी समझा नहीं पाया था कि ये ऐसा क्यों होता है। देन थर्ड लिमिटेशन है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक ही सॉलिड्स में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट डिफरेंट हीट कंसिडर कर सकता है, उस चीज को भी समझाने में फेल हो गए थे। देन चौथा लिमिटेशन था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेक्ट्रल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। मतलब वैसे स्पेक्ट्रल लाइंस जो हाइड्रोजन की तरह दिखते हैं वो समझाने में नहीं बता पाए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ए ब्लैक बॉडी। एक आइडियल बॉडी एक ऐसा बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले उसे हम कहेंगे आइडियल बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाई सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर उसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो वो जो फ्रीक्वेंसी की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है वही वो बाहर रिलीज करना चालू कर देगा, छोड़ना चालू कर देगा, उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए एक चीज देखा जाता है कि ग्रीन लाइट 6000 केल्विन पे एमिट नहीं होता है, या यू कहिए कि ब्लैक बॉडी में एक ऐसा कलर है ग्रीन कलर जो कि वो एमिट नहीं करता। ग्रीन लाइट एट 6000 केल्विन इज नेवर एमिटेड इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये माना जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में ग्रीन लाइट जो है वो भी वहां से रेडिएट होता है लेकिन
वो हमेशा वाइट के रूप में रेडिएट होता है, मतलब हमें वाइट के रूप में दिखता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रीन लाइट जो है कभी भी ब्लैक बॉडी से रेडिएशन में नहीं निकलता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एज ए ऑब्जेक्टिव आप इसको कंसिडर करके रखेंगे। जब नोट्स आप लिखेंगे वहाँ पे बगल में यहाँ पे OBJEC TIV लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क करके लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक किसी को? चलिए क्लास